नमस्कार दोस्तों, आज गए आज नए वीडियो पे। बहुत दिन बाद आए हैं तो अब बस खड़गपुर एक्सप्लोर करना है। थोड़ा खड़गपुर एक्सप्लोर करेंगे बस, और कुछ खास नहीं है। तो कंटेंट नहीं मिला तो सोचा यही कर लूँ, क्यों ना चलो। तो अभी जाऊँगा, सचिन वेट कर रहा है, सचिन के साथ मिलूँगा तब उसको लेके निकलूँगा। ओके गाइस, तो वीडियो देखते रहना, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ सीधा लोकेशन पे, बाय। तो हम लोग के साथ एक नमूना और जुड़ गया है, तो अभी शुरू करने जा रहे हैं अपना वीडियो। तो देखते रहना, बने रहना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिखा उधर देखो, ये पूरा जगह रेलवे का जगह, इसे कहते हैं बंगलो साइड। इसका बंगलो साइड का भी मतलब नाम के पीछे भी एक राज है, क्योंकि यहाँ पे हर एक लाइन बाय लाइन पूरा घर बंगलो जैसा है। अब यहाँ से दिखेगा नहीं, हम लोग जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो लाइन बाय लाइन सब बंगलो है, जिसलिए इस जगह ना बंगलो साइड रखा है। पूरा इसका लोकेशन बहुत बड़ा है, पूरा कवर करना बहुत मुश्किल होगा, जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगा। और बाकी सब देखते रहो, और क्या, चलो।
तो जैसा आप लोग देखिए, ये है सिरसा स्टेडियम। ये पूरा इसके बारे में बताता हूँ, जस्ट वेट करना। स्टार्ट। तो जैसा देख रहे हैं लिखा है सिरसा स्टेडियम। जब महेंद्र सिंह धोनी नाम तो सुना है आप लोगों ने, पूर्व कप्तान है, तो हम लोग खड़गपुर में आए थे तो यहाँ पर टीटी का काम करता था। जब उनका जॉब पूरा हो जाता था टाइमिंग, तब उसके बाद वो यहीं आके प्रैक्टिस किया करते थे। अनिमेश कुमार गांगुली जो तब रेल डिपार्टमेंट कुछ फाइव पोस्ट में थे, जितना याद नहीं है, तो उन्हीं के नाम से स्टेडियम रखा गया। अंदर का हिस्सा दिखाना चाहते थे पर परमिशन नहीं है तो जा नहीं सकते, तो बाहर से जितना हो सके हम लोग दिखा रहे हैं, पहले भी दिखाया है, उस तरफ से बहुत सारे दिखाते हैं बस। और उतना समझ नहीं आ रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत आओ इधर से देखते हैं। रोड क्रॉस यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा है, क्योंकि अंदर जाने की तो परमिशन नहीं है, तो यहाँ से आपको दिखा रहा है। जब जाने का परमिशन होगा तो जरूर अंदर भी जाके बनाएंगे। दिखाना तो चलो चलते फिर नेक्स्ट लोकेशन पे। कौन सा जगह जी, ये आईआईटी का फ्लाईओवर है, आईआईटी खड़गपुर, जो कि बहुत ही मतलब फेमस है आईआईटी हम लोग खड़गपुर का।
और वो जो दिख रहा है वो हिजन स्टेशन, बहुत उसकी भी खूबसूरती है, वहाँ पे जा नहीं सकेंगे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो जाते तो दिखाते, वहाँ की भी अलग ही खूबसूरती है। और वहाँ पे एक लंबा टावर दिखता होगा आपको, फोकस करना, वहाँ पे एक लंबा टावर दिखता होगा जी, वही IIT है, उधर है सामने से रास्ता, उधर सामने से रास्ता है, जाएंगे अगर, जाने शायद बंद है दरवाजा, मेन गेट जूझता रहता है, अगर खुला रहेगा तो जरूर जाएंगे और दिखाएंगे। तो चलिए अब IIT के बाहर मिलते हैं। IIT गए थे तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने जाने नहीं दिया, जो लोग गेट के सामने रहते हैं, COVID-19 चल रहा है, तो फिलहाल वहाँ का शूट तो नहीं कर पाया, रहना यही है, फिर कभी कर लेंगे IIT। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट लोकेशन गेट बाजार, वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, बिग बाजार और भी है, सब दिखाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। तो इसलिए यहाँ का नाम गेट बाजार होता है। आगे भी है सिनेमा हॉल, अरोड़ा सिनेमा हॉल वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि अभी हॉल तो खुला नहीं है। तो ये मेरा मोटिव था, और आगे है जगन्नाथ मंदिर और बिग बाजार, तो आप आगे जाएंगे तो वहाँ का शूट करेंगे। इसका आर्किटेक्चर थोड़ा पूरी के जगन्नाथ मंदिर टाइप का है इसका आर्किटेक्चर, तो इसलिए इसको भी पूरी मंदिर कहा जाता है। तो अब आए यहाँ पे तो आप लोग भी देख लीजिए थोड़ा इसे, तो चले आप बनवत ना ही बोल बनवत
यहाँ पे आके ना एक अलग तरह सुकून मिलता है। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट भी बैठेंगे ना, आपको हो सकता है तो पूरा दिन पूरा रात बैठे यहाँ पे, यहाँ का एक अलग ही सुकून है। और जो रथ मेला होता है तो उस तरफ एक अलग ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ पे रथ मेला का मेला बैठता है पूरा, तो बहुत ही अच्छा जगह है। आप लोग अगर बाहर से कोई देख रहे तो कभी खड़गपुर आना तो ज़रूर इस जगन्नाथ मंदिर में ज़रूर आना, यहाँ पे एक अलग तरह का सुकून मिलता है सब। तो यहाँ तक था लास्ट वीडियो अपना, अगर हो सके तो पार्ट 2 भी लाएंगे, जो कि सलवा उस टाइप का बचा उस तरफ बचा आर्मी कैंप का, हो सके तो वहाँ का सेकंड पार्ट ज़रूर लाएंगे। तो फिलहाल आज तक के लिए यही था, तो फिर सब सही रहना, सलामत रहना, ठीक से रहना, क्योंकि COVID-19 चल रहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, तब तक के लिए बाय, लव यू दोस्तों।